कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले दो दिन से भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको भिन्न संख्या का परिचय बताया और वो कितने प्रकार की होती है, उस भिन्न और उचित भिन्न के बारे में पढ़ा। आज हम भिन्न संख्याओं की यानी भिन्न संख्याओं की भिन्न संख्याओं की जोड़ व घटाव के बारे में चर्चा करेंगे कि भिन्न संख्याओं की जोड़ कैसे होती है, भिन्न संख्याओं की घटाव कैसे होती है, उनको हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले सवाल है 3/4। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए, जब इसके अंदर नंबर एक है, जब हर समान हो, भिन्न संख्याओं के अंश और हर होते हैं, तो उस जब हर समान हो, जैसे इसके अंदर नंबर पहला सवाल हम कर रहे हैं 3/4 प्लस 5/4। अब इस सवाल में आपको क्या देख रहे हैं कि हमने पहली संख्या लिखी 3/4, दूसरी भिन्न लिखी हमने 5/4। अब इस सवाल में आप जैसे हमने यहां लिखा हर समान हो, तो देखिए इसमें हर संख्या 4 है, इसमें भी हर संख्या 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन हर संख्याओं का जब लघुतम लेते हैं तब 4/4 का लघुतम वापस आपके 4 ही आता है, तो हमने सीधा सा 4 उतार दिया यहां पे, यानी हर संख्याओं का लघुतम 4, हर समान है, दोनों संख्याएं यहां इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, हर समान हो गया, तो हर समान होने के कारण जब हम हर समान संख्याओं का जब लघुतम लेते हैं तो हमारा हर भी क्या आता है, वही संख्या आती है। अब इसका सबसे सरल तरीका करने का, हम क्या करते हैं कि हर संख्या का भाग लघुतम में लगाते हैं, हर संख्या का भाग लघुतम में लगाते हैं, तो 4 का भाग अगर 4 में लगाएं तो 4 × 4 एक भाग ही जाता है। अब जो ये 1 आया है, इस 1 भागफल को हम इस अंश से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 3 × 1 प्लस फिर वही 4 का भाग 4 में, 4 का भाग 4 में, तो भागफल आया 1। अब इस 1 को फिर अंश से गुणा करेंगे, ऊपर संख्या है 5, तो 5 को 1 से गुणा, ठीक है। अब गुणा कीजिए, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस 5 को 1 से करेंगे 5 × 5 और बटे 4, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 के बाद में 5 गिनेंगे तो 5 × 4 = 5, 6 + 7 = 8, तो संख्या होगी हमारी 8/4। अब आप देखिए जो हमारा आंसर आया है भिन्न के अंदर 8/4, अगर ये आपस के अंदर भाग लग रहा है तो आप भाग लगा दीजिए, तो 4 हर का भाग हम किस में लगाएंगे, अंश में, तो 4 × 4 = 8 यानी 2 बार गया, ये कितनी बार गया, 2 बार, जो कि आपका उत्तर है। यानी कहने का बात यही है कि अगर हर समान हो तो ऊपर की संख्या सेम टू सेम आप वैसे ही उतार सकते हैं। इसको और सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं, जैसे सवाल नंबर 2, मान लीजिए 7/3 प्लस 5/3, 7/3 प्लस 5/3। अब इसमें भी देखिए आपकी जो हर संख्या है 3 समान है, इसको इससे भी थोड़ा और सरल तरीके से करें, तो इसमें भी आपकी हर संख्या क्या है, समान है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 का लघुतम लेते हैं तो वापस आपका क्या आता है, 3। और जब हर संख्या समान हो तो सवाल आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्यों हो जाता है, जैसे कि अभी तो मैंने पूरा करके दिखाया आपने, आपको 3 का भाग हम 3 में देते हैं तो 1 बार जाता है, 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वापस वही संख्या आती है, तो जैसे 3 का भाग 3 में दिया, हमने ये दोनों हर संख्या थी, हर संख्याओं का लघुतम 3 हमने यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पर तो मैंने पूरा बताया आपको, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ऊपर की अंश संख्या जो है
पांच और सात, इनको दोनों को उतार दो यहाँ पे प्लस करके, यानी इससे भी थोड़ा सरल तरीका। यानी ये कब होगा, जब हर संख्या समान हो। तो हर संख्या समान हो तो हर तीन है, हमने तीन उतार दिया। अब जो अंश वाली संख्या है ऊपर पांच और सात, इसको भी आप वैसा का वैसा ही उतार दीजिए। ये कब होगा, ये शर्त कब लागू होगी, जब आपके दोनों हर समान हो। तो हमने उतार दिया इसको। अब उतारने के बाद तरीका वही है जोड़ने का, सात के अंदर पांच जोड़ेंगे तो सात के बाद में कितने गिनने हैं, पांच गिनने हैं, यानी आठ नौ दस ग्यारह बारह, कितना हुआ बारह और बट्टा तीन। अब देखिए तीन का भाग बारह में लग रहा है क्या, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौके बारह, चार बार गया ये चार, और ये आपका उत्तर है। हमने अभी दो सवाल किए। पहला सवाल, स्टेप नंबर वन लिखी हमने, जब हर समान हो। तो हर समान हो और इसमें देखिए हर संख्या चार चार है, तो हमने लघुत्तम भी चार लिया। फिर हम क्या करते हैं, हर का भाग लघुत्तम में लगाते हैं, और लघुत्तम में भाग लगाने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसको हम अंश से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर अगर हमने जोड़ कर दिया, ठीक है, अगर भाग लग रहा है तो लगा दीजिए, अगर नहीं लग रहा तो आपका वही क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। अब इसी सवाल को, इसी तरीके को हमने और सरल तरीके से किया। इसमें हमने जो हर संख्या थी उसको हमने लघुत्तम में उतार दिया। अब अंश जो था हमारा, उस अंश को हमने अंश के स्थान पर उतार दिया पांच प्लस सात प्लस पांच करके, सात और पांच जोड़ा तो बारह हुए। बारह में से हमने बारह बट्टा तीन हुआ, तीन का भाग हमने बारह में लगाया तो चार बार, जो आपका उत्तर है। अब हमारी तो दूसरी स्टेप होगी इसकी, इसमें होगा जब हर असमान हो। जब हर असमान हो, अब इसमें क्या होगा देखिए, यानी तीन बट्टे चार, तीन बट्टा चार प्लस दो बट्टे पांच, तीन बट्टा चार प्लस दो बट्टे पांच। अब इसके अंदर अंश हो गया तीन, हर हो गया चार, दूसरी भिन्न के अंदर अंश हो गया दो और हर हो गया पांच। अब यहां पर नीचे हर संख्या को देखिए, यहां चार है और यहां पांच है, यानी दोनों हर संख्या क्या है, अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे, इस चार और पांच दोनों संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो चार और पांच, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, दो का भाग लगाएंगे तो चार में दो का भाग गया दो, पांच में जाता नहीं है, ये अपनी जगह पे उतर गया। फिर हमने दो का भाग लगाया एक बार दो में, पांच में जाता नहीं है, पांच का पांच आ गया। फिर पांच का एक और पांच का पांच, तो संख्या रही हमारी दो इंटू दो इंटू पांच, इनको गुणा करेंगे तो पांच दूनी दस, दस दूनी बीस, यानी हमारा लघुत्तम आया 20। ये हमने लघुत्तम में लिख दिया। अब नियम के अनुसार हम हर संख्या का भाग लघुत्तम में लगाएंगे, हर संख्या का भाग लघुत्तम में लगाएंगे, तो हमारी हर संख्या है लघुत्तम है 20 और पहली हर संख्या है चार, तो इस चार का भाग 20 में, तो चार का भाग देखिए, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीय बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, कितनी बार गया पांच बार गया। अब ये जो पांच आया है भागफल, इस भागफल को हम इस तीन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो तीन इंटू पांच। फिर बता रहा हूं एक बार, हमारा जो लघुत्तम आया 20, इस 20 में हमारी जो पहली भिन्न की हर संख्या है पांच चार, इस चार का भाग हम 20 में लगाएंगे, 20 में लगाने पर हमारा इसका भागफल आया पांच। अब जो भागफल पांच आया है, इस भागफल को हम तीन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमने यहां लिख दिया तीन इंटू पांच। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हमारी इसी प्रक्रिया के द्वारा दूसरी भिन्न से करना है,
तो हमारी दूसरी भिन्न है 2/5, इसकी हर संख्या कितनी है 5, तो 5 का भाग हम 20 में लगाएंगे। तो 20 के अंदर अगर हम 5 का भाग लगा रहे हैं तो देखिए 5 × 5 = 10, 5 × 10 = 15, 5 × 15 = 20, कितनी बार गया 4 बार। अब ये जो हमारा भागफल आया 4, इस 4 को हम इस संख्या दूसरी भिन्न के अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 × 4 अब इतना होने के बाद में अब इनको गुणा करनी है, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 8 / 20। अब 15 के अंदर हम 8 जोड़ देंगे तो 8 को 5 से जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, एक फसल रह गई, 1 × 2 / 20। अब ये 23 अभाज्य संख्या है, किसी पाड़े में नहीं आती है तो इसका भाग नहीं लगेगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक सवाल और करते हैं हम इसका, जैसे मैंने संख्या लिखी 5 7/8, अब हम घटाव कर देते हैं, एक प्लस का हो गया एक माइनस का कर लेंगे, 7/8 और 5/4, 7/8 − 5/4। अब हमारा शर्त क्या है, जब हर असमान हो, और जब हर असमान होता है तो हम हर संख्याओं का क्या निकालते हैं, लघुतम निकालते हैं, तो इसका हम लघुतम निकाले हर संख्याओं का, तो संख्या हमारे पास है 8 और 4। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2, तो 2 का भाग इन 8 में भी लगाना है और 4 में भी लगाना है, 8 के अंदर गया 4 बार और 4 के अंदर गया 2 बार, फिर 2 का भाग लग रहा है तो 2 × 4 = 2, फिर 2 का लग रहा है तो 1 × 1, तो संख्या रह गई हमारी 2 × 2 × 2, इनको गुणा करेंगे तो 2 × 4 और 4 × 8, तो हमारा लघुतम आया 8, कितना आया 8। अब जो क्रिया हमने इस सवाल में की थी सेम टू सेम वैसे ही करना है, चाहे जोड़ करनी हो चाहे घटाव करनी हो। अब हमारी जो पहली संख्या है उसका हर संख्या है 8, कितना है 8, अब इस हम 8 का भाग लघुतम के अंदर लगाएंगे तो 8 का भाग लघुतम में लगाएंगे तो 8 का भाग 8 में लगाएंगे तब 8 × 8 = 8, एक बार जाएगा। अब जो इसका भागफल आया 1, इस भागफल को हम पहली भिन्न के अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 × 1, फिर घटाव का चिन्ह है यहाँ पे, तो घटाव का चिन्ह, पहली भिन्न का काम हो गया। अब दूसरी भिन्न में आ जाइए, इसका हर कितना है 4, 4 का भाग हम किस में लगाएंगे, लघुतम के अंदर, तो लघुतम कितना है 8, 8 का भाग 4 में, तो 4 × 4 = 4 × 8, तो हमारा भागफल आया 2। अब इस 2 भागफल को हम दूसरी भिन्न के अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 × 2। अब हम गुणा करते हैं, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 7, फिर माइनस का चिन्ह, 5 को 2 से करेंगे 5 × 10, और नीचे रह गया आपका 8। अब देखिए इसमें तो जोड़ था, हमने जोड़ कर दी, अब घटाव कैसे करनी है, आगे जब किसी संख्या के, जैसे यहां संख्या लिखी मैंने 5, जब किसी संख्या के आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता तो वह नियमानुसार हमेशा प्लस की संख्या मानी जाती है, और जिसके आगे कोई, जैसे अब इसके आगे मैंने लिख दिया घटाव का चिन्ह, तब इसको अब क्या बन जाएगी, ऋणात्मक संख्या बन गई, यानी ये माइनस के 5 बन गए। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए 7 कुछ नहीं आगे तो प्लस की संख्या है, और ये 10 जो है इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस की संख्या है, तो ये प्लस 7 का है और ये 10 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस की संख्या में से इस प्लस की संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और ऐसे नहीं समझे तो नियम होता है अगर प्लस हो और इसके पीछे माइनस हो तो ये दोनों मिलकर प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, तो माइनस के 10 में से प्लस के 7 कम कर देंगे तो कितने रहेंगे, 7 कम करेंगे 8, 9, 10, 3, तो हमारा आंसर रहेगा -3/8।
अब ये तीन अभाज्य संख्या है, किसी पाड़े से भाग नहीं लगता, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम किसी भी सवालों को लघुतम के द्वारा हल कर सकते हैं। तो अभी हमने दो चीज देखी इसके अंदर, पहला सवाल देखा जब हर असमान, जब हर समान हो, दूसरा देखा जब हर असमान हो। और ये इन सवालों को वापस आप अपनी कॉपी में नोट करना है और बिना देखे हल करना है और इनका बार बार प्रयास करना है। धन्यवाद।